चलिए, वेबिनार का आज अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाइव है, आपको सीधे ले चलते हैं। इनका इस्तेमाल करके खेती में ज्यादा से ज्यादा उन्नति की जा सकती है और खास करके उसके बेहतर दाम दिलाए जा सकते हैं। ये भी बताया गया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी ट्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ कहाँ से वो पैदा हुआ है और वो किस पौधे से निकला है या किस पेड़ से निकला है, और ट्रेसिबिलिटी के प्रोटोकॉल्स अगर होते हैं तो फसल के दाम बढ़ जाते हैं और खास करके ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में और फलों में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेसिबिलिटी करने का प्रोटोकॉल जो है वो मध्य प्रदेश में डेवलप किया जा सकता है कि अगर आम हम बेच रहे हैं देश के किसी मंडी में या विदेश में तो आम कहां से ट्रेस किया जा सकता है कि आम किस पेड़ पे किस खेत में हुआ था। इसके अलावा सर, मिल्क कैटल्स को इम्प्रूव करके डेयरी में काफी कुछ काम हुआ है और उसमें हम काफी तेजी से आगे बढ़े हैं, इसमें और तेजी से काम किए करने की आवश्यकता है सर। नेक्स्ट प्लेयर, नेक्स्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क सर, इसके अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर काफी सारे पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं। इसमें जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है हमारे प्रोत्साहन की, इसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। जो कि सुबह बताया गया कि कोविड के कारण, कोविड पेंडेमिक के कारण अब जो व्यवस्थाएं बदली हैं, ये ऐसा नहीं है कुछ महीनों तक बदली रहने वाली है, ये वर्षों तक या दशकों तक प्रभावित करने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें न सिर्फ स्वयं औद्योगिक प्रोत्साहन की पॉलिसी बल्कि हर पॉलिसी जो हर विभाग की है उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है कि जो नया पोस्ट पेंडेमिक कार्यकाल है इसमें किस प्रकार से उसको इम्प्रूव अपॉन किया जा सकता है। नई औद्योगिक पॉलिसीज खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस सेक्टर, बल्क ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस, हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स और एंसिलरी इंडस्ट्रीज के लिए हम पृथक पृथक जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बना सकते हैं सर। इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण है कि हम जो है वो स्टार्टअप्स के लिए हमारा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क हो, मेंटरशिप और वेंचर कैपिटल फंड और टेक्नोलॉजी का जो इकोसिस्टम हो वो स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करने वाला हो। स्पेशल इंसेंटिव पैकेज हम ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए बना सकते हैं जो चाइना से आने वाली है, इसमें उत्तर प्रदेश ने काम किया है, उसी प्रकार का हम लोग जो है वो विचार कर सकते हैं कि स्पेशल इंसेंटिव पैकेज तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज जो है अपने देश का निवेश अपने यहाँ लाने के लिए वो कुछ इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स की मांग करती हैं, खास करके जो ईस्ट एशियन कंपनीज हैं, कंट्रीज हैं, जैसे चाइना, जैसे जापान है, कोरिया है, तो ये हम लोग जो है इन ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए टाउनशिप्स तैयार कर सकते हैं। एफर्ट्स टू रेशनलाइज जो पावर कॉस्ट है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है सर। पावर कॉस्ट मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा है, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं और इस पर हमें गंभीरता से विचार करने के लिए सभी विशेषज्ञों द्वारा बताया गया सर। हमको ये आवश्यक है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो है वो पॉटेज इंडस्ट्रीज और एमएसएमई में नहीं हो रहा है, इसको कैसे हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को तेजी से कर सके, इसके लिए जो है वो रणनीति बनाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह थी। इसके अलावा सर जो है वो एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर लिंकेज में जो है वो कैसे हम कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट्स को ला सकते हैं, खास करके जो एग्रीकल्चर और फार्म और फार्म से लगे हुए एरिया में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन हो सके, उस दिशा में उन्होंने कहा कि नए किस्म के सोच की आवश्यकता है। इसके अलावा सर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में सर प्लग एंड प्ले मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रदेशों में देशों में हो चुका, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बोलती है हम आएंगे पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, उसकी बजाय आप हमें बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए, हम उसमें अपनी मशीन फिट करके काम कर लेंगे हमारा, और जो काम हम 3 साल में कर सकते हैं हम 6 महीने में शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके गारमेंट अपेरल सेक्टर में, आईटी एसडीएम सेक्टर में, नॉन लेदर गुड्स में, टॉयज में और अदर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में बहुत आसानी से किया जा सकता है सर। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हम कर सकते हैं, जैसे आज सुबह चर्चा हो रही थी जिसमें बताया गया था कि ग्रेनाइट मध्य प्रदेश का जो 20 जिलों में होता है ये बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट होता है, तो ऐसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हमारे यहाँ के प्रोड्यूस के जैसे भारत सरकार ने एसईजेड बनाया हुआ है उसी प्रकार से हम अपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बना सकते हैं और यहाँ पर हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि वहाँ से हमारे प्रोडक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो सके। इसके अलावा सर हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स जो है हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज में लगाने की आवश्यकता है, हमें
प्राइमरी प्रोसेसिंग क्लस्टर्स को जो है कॉमन फैसिलिटीज के साथ विलेज ब्लॉक लेवल पे जोड़ना है और उसको मॉडर्नाइज करना है। हमको ये भी आवश्यक है कि हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसमें हम टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस लैब्स बनाएं, क्योंकि हर इंडस्ट्री खासकर एमएसएमई सर जो है टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस लैब्स नहीं बना पाती है। हम लोगों को ये भी आवश्यक है कि हम इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास हेल्थ एजुकेशन रेजिडेंशियल फैसिलिटीज को डेवलप करें। आपके मार्गदर्शन में पीथमपुर भी इस दिशा में काम हुआ है, इसको और आगे बढ़ने की आवश्यकता है सर। हमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसे पोटेंशियल इंडस्ट्रियल एरिया को आइडेंटिफाई करें जिसमें हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन हब्स के रूप में उसको डेवलप करें। हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है सर कि हम जो है वो एग्रीकल्चर और ट्राइबल प्रोड्यूस को मार्केट करने के लिए कुछ मार्केट्स क्रिएट करें जो भोपाल मार्केट के तर्ज पर कुछ अन्य क्षेत्रों में भी ये किया जा सकते हैं जहां पर इसको उपयोग हो सकता है। इसके अलावा कनेक्टिविटी के इश्यूज थे, जैसे सर जो इनलैंड कंटेनर डिपोज अभी 7 जगह है, वो बेसिकली मंडीदीप में, पीथमपुर में, मालनपुर में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी में कोई आईसीडी नहीं है, इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है, और ये जबलपुर में और सिंगरौली में होना चाहिए। ऐसे विशेषज्ञों की राय है कि उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास में बहुत बड़ा हर्डल है, इसलिए आईसीडी जो है वो भारत सरकार से मदद लेकर जबलपुर सिंगरौली में प्रारंभ होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो इतने भी इंडस्ट्रियल एरिया नए खोले जाए ये एयरपोर्ट और रेलवे लाइन और मेन हाईवेज के आसपास हो, ये बहुत इंटीरियर में जो खोल दिए जाते हैं वो इंडस्ट्रियल एरियाज जो है डेवलप कभी भी नहीं हो पाते। ये भी बताया गया कि हमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये सिंगरौली में और इंदौर रीजन में होना चाहिए, भारत सरकार की योजना है, इस योजना में ऑलरेडी ये प्रस्ताव जो है